एयरटेल 5G और जियो 5G लॉन्च होने के बाद लोग अपने फोन में 5G सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बहुत से लोगों की शिकायत है कि उनके फोन में 5G सिग्नल नहीं आ रहा है, जबकि उन्होंने 5G रेडी फोन खरीदा है। इन यूजर्स को जल्द ही एक OTA अपडेट मिलेगा, जिसके बाद यूजर्स को 5G सिग्नल मिलने लगेगा। एयरटेल ने ऐसे ही फोन्स की एक लिस्ट शेयर की है, जिसमें आपको उनका 5G नेटवर्क मिलेगा। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ 5G इनेबल फोन्स ही नहीं, बल्कि उन फोन के भी नाम शामिल है जिन्हें 5G अपडेट का इंतजार है। टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने 116 हैंडसेट की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूजर्स को एयरटेल 5G प्लस सर्विस मिलेगा। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया है। उनके लॉन्च करने के साथ ही एयरटेल ने 8 शहरों में अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपको 5G नेटवर्क मिलेगा। एयरटेल के 5G नेटवर्क पर आप बेहतर स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एयरटेल ने 5G रेडी 116 स्मार्टफोन्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 5G सपोर्ट वाले ज्यादातर फोन्स को शामिल किया गया है, जिसमें एयरटेल 5G का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कई ऐसे फोन्स भी इस लिस्ट में हैं जिन्हें OTA अपडेट मिलने वाला है। एयरटेल 5G प्लस फिलहाल 8 शहरों में मिल रहा है, हालांकि इन शहरों में भी सर्विस अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई है। एयरटेल की माने तो मार्च 2024 तक पूरे देश में एयरटेल 5G सर्विस उपलब्ध होगी। वहीं जियो ने फिलहाल 4 शहरों में सर्विस लॉन्च की है और दिसंबर 2023 तक लगभग सभी पूरे देश में जियो 5G और एयरटेल 5G सर्विसेज को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।